क्या प्रधानमंत्री जी को ठंड में धूप पसंद नहीं आती? क्या ठंड में थोड़ी गर्माहट वाली धूप निकल जाने का मतलब मौसम खराब होना कहा जाता है? मौसम सच में खराब है या बीजेपी का मौसम खराब है ये तो पता नहीं, मगर गर्मी कम कर देने वाले ये बात जान ले, उत्तर प्रदेश में न सर्दी है न गर्मी, आपके आका के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश का मौसम ही खराब है। पंजाब से आते समय जो मैंने डायलॉग बोला था क्या था भैया वो? ये रहा, अपने सीएम को थैंक्स कह देना कि मोदी जिंदा बठिंडा एयरपोर्ट पे लौट पाया। इसमें रंग जमा कि नहीं जमा? जमा सर। जमा कि नहीं जमा? जमा। मोदी जी के इस डायलॉग पर रंग तो पूरा पूरा जमा, मगर यही रंग मोदी जी एक बार फिर जमाना चाह रहे थे उत्तर प्रदेश में, कि तभी याद आया कि उत्तर प्रदेश में तो हमारे छोटे भाई की सरकार है, कहने का मतलब है बाबा योगी आदित्यनाथ की। दरअसल आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में आ रहे थे, मगर हुआ यूं कि तपती धूप में भी नरेंद्र मोदी जी के मौसम गणित का समीकरण कुछ उल्टा बैठ गया। अच्छे खासे मौसम को खराब मौसम बताकर अपना दौरा रद्द कर दिया। अब वो दिल्ली से ही वर्चुअल तरीके से सभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में ये समझना मुश्किल है कि साफ मौसम होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री को अपना बिजनौर का दौरा रद्द क्यों करना पड़ा। बिजनौर जिले में चमचमाती धूप और मौसम का तापमान 17 डिग्री होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी को मौसम खराब लगता है। कहीं उनके गुप्त इंटेलिजेंस के सोर्स ने उनके कानों में ये तो नहीं फुसफुसा दिया कि उत्तर प्रदेश में हमारे विधायकों, सांसदों, प्रत्याशियों और तो और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का विरोध हो रहा है, जगह जगह पर भाजपा का खदेड़ा हो रहा है। हमेशा की तरह कोई मौका ना छोड़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा फ्रंट पर बैटिंग करते हैं, मगर उत्तर प्रदेश की पिच पर जनता का भाजपाइयों के प्रति विरोध देखकर लगता है वो बैकफुट पर आ गए। कहीं उन्हें आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी छवि के धूमिल हो जाने की चिंता तो नहीं सता रही, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भाजपा का जगह जगह पर विरोध हो रहा है उससे कहीं प्रधानमंत्री जी डर तो नहीं गए, या उन्हें कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था कि पंजाब की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी उनके काफिले को रोक दिया जाएगा? पर अगर रोक भी दिया जाता तो फिर वो रंग किस पर जमाते, क्योंकि आका तो जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार तो हमारी ही है, फिर अपनी जान की सुरक्षा की गुहार किससे लगाते वो? गैर भाजपा शासित राज्यों में जाकर बेमतलब की चीजों को मुद्दा बना देना, ये कोई प्रधानमंत्री जी से सीखे, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी को अपने बिजनौर दौरे के दौरान ये आभास था कि हो सकता है कि वो बिजनौर जाएं तो भाजपा का विरोध हो और उनके काफिले को रोका जाए, और अगर ऐसा होता है तो इसका जिम्मेदार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी भाजपा होगी।